हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मेरे पास आज लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, हमारे पास नोटिफिकेशन आ रही है और कुछ लोगों के पास लेट आ रही है, तो लोगों ने बोला कि आप रिक्वेस्ट वीडियो जो है अपलोडेड कीजिए, होल्ड पर मत डालिए। जैसे ही हमारे पास अभी भी नोटिफिकेशन आती है तो हम वीडियोज़ देखते हैं, अदरवाइज़ हम सर्च करके देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज टाइटल देकर आप लोग समझ गए होंगे कि वॉकर किस एज ग्रुप में यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। देन उसके बाद एक बार जाते जाते डॉक्टर से भी पूछ लिया था, तो डॉक्टर ने भी हंस के बोला था कि हाँ, इस एज ग्रुप में कब यूज़ करना चाहिए, कैसे पता लगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। वॉकर यूज़ करने का सही एज ग्रुप तब होता है जब आपका बेबी प्रॉपर तरीके से बैठना लगे, खड़ा तो नहीं बट बैठने लगे, उसकी जो नेक है, गर्दन है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से संभालने लगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं शिवी प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है और अपनी गर्दन को पूरी तरीके से हैंडल कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो गर्दन है बच्चों की सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है उस टाइम पे, छोटे टाइम पे, तो बच्चों को उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वॉकर पहले टाइम पे आता था जो कि 3 पहियों का होता था, बहुत ही उस टाइम पे वो देखा जाए तो वो वॉकर सेफ नहीं होता था। फिर आया था बीच में वॉकर जो प्लास्टिक का था, सर्कल टाइप का होता था, जिसके बहुत ही लाइट वेट होता था। बच्चा अगर उस पर बैठता था, तेज़ी से थोड़ा सा भी मूव करता था तो इतनी तेज़ स्पीड में जाता था कि बच्चों को लग जाती थी, वॉकर पलट जाता था, बच्चा सेफ नहीं रहता था। तो ये वॉकर जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सेफ़ है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका प्राइस क्या है तो प्लीज़ आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं अभी ऐसे प्राइस बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि प्राइस बता रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। बाकी ये वॉकर आप देखेंगे तो चारों तरफ से इस पर व्हील लगी हुई है और वॉकर बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही इसकी सीट भी कंफर्टेबल है। कुछ टॉयज लगे हैं, बॉल्स लगी हैं, बच्चे को पकड़ने के लिए लगे हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से ये पूरा सेफ़ है, एडजस्टेबल है। आप अभी ऐसा नहीं है, इसमें 1, 2, 3 स्टेज ऐसे टाइप की बनी है। और अभी मेरा बच्चा जैसे पूरा प्रॉपर तरीके से पैर नीचे रख लेता है, फिर थोड़ा बच्चा अगर और बड़ा होगा तो ये कम से कम 1.5-2 साल तक का बच्चा जो है इस वॉकर को आराम से यूज़ कर सकता है। और वॉकर जो है बच्चों के हेल्प के लिए होता है, एक तरफ से बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर सकता है, बट 24/7 के लिए नहीं है कि बच्चों को 24 घंटे 7 दिन आप इस पर ही बैठा के रखें, खिलाए पिलाएं। ऑब्वियसली बच्चा सोएगा तो आप तो 24 घंटे नहीं बट 10-20 घंटे भी नहीं। आप बच्चे को जब भी वॉकर में रखें अपनी आंखों के सामने रखें, ताकि बच्चा जो है आपके नज़रों के सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा बच्चा वॉकर में क्या कर रहा है क्या नहीं। कोशिश कीजिए कि कहीं पे भी आप वॉकर के साथ जब रख रहे हैं तो कहीं पे बालकनी में या किसी ऐसे खुले एरिया में मत रखिए कि बच्चा वहाँ से अगर वॉकर से कुछ सेफ नहीं है, अनसेफ एरिया में बच्चा गिर जाए, बच्चे मतलब वॉकर तो नहीं पलटेगा मगर ये वॉकर ऐसा है कि कहीं सीढ़ियाँ वगैरह है और वॉकर फिसल के नीचे चला जाए तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी सेफ्टी तो आप लोगों को देखनी होगी, हम पेरेंट्स को देखनी होगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर अपने बच्चों को उस टाइम पे वॉकर दीजिए जब आपका बच्चा थोड़ा सा बैठना शुरू कर दे, अपनी नेक को कंट्रोल करना शुरू कर दे और बच्चे थोड़ा एंजॉय करने लगे। तो बच्चों को आप दिन में 2-3 बार 4 बार अपने नज़रों के सामने 10-10-15-15 मिनट के लिए बच्चों को वॉकर में बैठाएं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, बच्चा खुद अपना थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, बच्चा एंजॉय करेगा। जरूरी नहीं है कि बच्चा वॉकर में बैठ गया तो बच्चे को एक दिन में ही चलना सीख जाए या एक हफ्ते में ही प्रैक्टिस कर ले, नहीं। बच्चा जैसे जो कर रहा है बस आप उसे एब्जॉर्व कीजिए और बच्चे के आसपास रहिए ताकि बच्चा जो है सेफ रहे, बच्चे को लगे ना। और ये इतना सेफ्टी है ये वाला वॉकर की चारों तरफ से आगे की तरफ थोड़े व्हील लगे हैं कि अगर बच्चा कहीं पे भी दौड़ के भाग के जाता है सपोज टू, तो कुछ भी लाइक रखा है, कोना कुछ है या कुछ भी है, तो बच्चे के सर पे, आंख पे, मुंह पे नहीं लगेगा, वॉकर पलटेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा है गाइस, आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर